हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लेके आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग हेयर स्टाइल जो बहुत फास्ट हो जाती है, इजी भी है करने में और बहुत ज़्यादा ट्रेंडी भी है। यस, हम एक बहुत क्विक मेसी बन बनाने वाले इस हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल में। सो सबसे पहले हमने पीछे एक पोनीटेल टाई कर लिया है। यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन क्लिक करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब आगे से जो चाहिए वो हेयर स्टाइल आप बना सकते हो, जैसे कि साइड पार्टिंग, मिडल पार्टिंग। तो वेल, हम यहाँ पे विदाउट एनी पार्टीशन पूरे हेयर पीछे लेने वाले हैं और साथ ही हम पफ भी बनाने वाले हैं। तो इस चीज़ के लिए हमने आगे से एक सेक्शन लिया है और हम बैकॉम करते हुए जाएंगे। बैकॉम करने के बाद उस सेक्शन को हम टूवर्ड्स फेस की बाजू आगे छोड़ेंगे। अगेन हम पीछे से थोड़े थोड़े करके सेक्शन लेंगे, जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो थोड़े थोड़े करके पूरा जो हमारा क्राउन एरिया तक का सेक्शन है, यहाँ पे हमने सारे हेयर को बैकॉमिंग कर लिया है। और अब हम सारे हेयर को इस तरह से पीछे एक पुश करेंगे और आप देख सकते हो कि बैकॉमिंग के बाद इस तरह से एक बहुत अच्छा वॉल्यूम डेवलप हो गया है। अभी इन्हें अच्छे से हम टेल कोम के साथ कोम करेंगे और कोम करके एक बहुत सुपर फिनिशिंग यहाँ पे अचीव कर लेंगे। सो अच्छे से हम कोम करेंगे। कोम करने के बाद यहाँ पे अगर आप चाहिए तो लट भी छोड़ सकते हो, तो ये टोटली आपका चॉइस है। कोई भी पिंस नहीं यूज़ करेंगे और हम यहाँ पे एक रबर बैंड के हेल्प से ये पफ को मेंटेन करेंगे। हल्का सा स्प्रे कर लेंगे जिससे कि फिनिशिंग मेंटेन रहे। रिमेंबर, पोनीटेल लूज रखना है। सो वेल, इसके बाद अब हम बनाएंगे बैक का मेन मेसी बन। सो हल्का सा पोनी हमने जो बनाया था वो लूज़ रखना है। ये खास टिप है इस हेयर स्टाइल को अचीव करने के लिए। तो लूज़ रखने के बाद उसमें हमने फिंगर से ही एक हल्का सा गैप किया है और हल्का सा मॉडल के जो राइट हैंड साइड के बाल है, एक रैंडम सेक्शन आपको उठाना है इतना कि वो इजीली इस हेयर के अंदर जाए। तो पोनीटेल को जो हमने बनाया था उसके अंदर हमने एक सेक्शन डाला। अब सेम हम लेफ्ट हैंड साइड से भी और एक सेक्शन लेंगे और उसे भी डालेंगे। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो इन्हें ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर भी करिएगा। अब जो रिमेनिंग नीचे के हेयर है, तो इन हेयर को आप यहाँ पे एक चोटी बना सकते हो। सो ये सादा नॉर्मल चोटी है और नीचे रबर बैंड हम करेंगे। अगर यहाँ पे बाल बहुत लंबे हैं, मीडियम लेंथ है या जैसे कि इन मॉडल के यहाँ पे शॉर्ट है, डजेंट मैटर। जो पहले हमने किया था वो है लूपिंग टेक्निक। तो लूपिंग करने के बाद यहाँ पे जितने भी बाल बचे हैं उन्हें हम बन की तरह टाई कर देंगे। तो इस तरह से हमें एक बहुत ही क्यूट और एलिगेंट मेसी बन मिलेगा जो बहुत कम टाइम में हो जाएगा। वेल, इस हेयर स्टाइल को स्टार्ट करने से पहले हमने पूरे हेयर में क्रिम्पिंग कर लिया था। तो ये हेयर स्टाइल बनाने के लिए अगर आप सिर्फ आगे के बाल में ही क्रिम्पिंग कर रहे हो तो भी चलेगा। कोई भी ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। बहुत ईजी और बहुत क्विक ये हेयर स्टाइल है। अब यहाँ पे हम ग्रास जैसा स्ट्रक्चर जिसे हम जिप्सी बोलते हैं वो डाल के हम इसे डेकोरेट करेंगे। सो होप आपको ये हेयर स्टाइल अच्छा लगा हो और ज़रूर से इसे ट्राई करिएगा क्योंकि ये बहुत क्विक और इन दिनों बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। ट्रेडिशनल, वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न सारे कॉन्सेप्ट्स पे चले ये ऐसा ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल है। जहाँ जहाँ पे ज़रूरत लगे वहाँ पे छोटे छोटे बालों को और नीट और क्लीन दिखाने के लिए हम स्प्रे का भी यूज़ कर रहे हैं। ज़रूर से हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन को क्लिक करिएगा ताकि ऐसे और भी यूज़फुल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।